बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। या अय्युहल्लज़ीना, फर्स्ट ईयर वालों, फर्स्ट ईयर डी वालों, कैसे हो यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये जो नूर शेख है, ये नूर शेख लड़की है या लड़का है? मेरी बेटी है या बेटा है? अच्छा, नूर अमूमन लड़कों का नाम भी होता है ना। बेटा मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अबीर फारूकी, तुम कुछ इंसान बने बेटा या वैसे ही चल रहे हो आजकल? और मेरा वो बच्चा कहाँ है, मेरा फेवरेट बच्चा सोहेब कहाँ है? आजकल नजर नहीं आ रहा मुझे, मैंने तो अब मजाक करना भी छोड़ दिया उससे। आए हाय, दिल तोड़ दिया यार उसने मेरा। वो मिले तो उससे बोलना, सर ने तुम्हारा बहुत पूछा और माजरा चाहते हैं सर, आपने दिल तोड़ दिया। उफ उफ, अबीर फारूकी बेटा मैं मर जाऊंगा खुशी में। चलो ठीक है बच्चों, आज हम डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, यहीं पर खड़े होके जाएंगे। आप लोग जरा बुक निकाल लें और नोट सामने रख लें, सब करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं। फर्ज कर लें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए है 3 यूनिट और मैग्नीट्यूड ऑफ बी है 4 यूनिट्स और ए डॉट बी है 5 यूनिट्स। एंगल बिटवीन नेम बताना है। ये एक सवाल कौन कौन कर सकता है? ये मैं करवा चुका हूं वैसे, आपको एडिशन ऑफ वेक्टर में करवा चुका हूं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि किस किस को याद है कैसे करते हैं ये। क्या हो गया बच्चों, भूल गए? क्या हुआ, भूल गए? किसी को याद नहीं है? आसिया का भी जवाब नहीं आ रहा है, एड और एमन का जवाब भी नहीं आ रहा, माहम का जवाब आया याद है। इसका फार्मूला ये होता है ना बेटा, ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। चलो आप करो, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। ए की जगह 3, बी की जगह 4, ए डॉट बी तुम्हें गिवन है 5, सॉल्व करो, जवाब बताओ, करो करो, शाबाश। ये मैं रिवाइज करा रहा हूं, फिर आगे चलेंगे। हाँ भाई, कुछ जवाब आया? ओके सही है, 65.3। और चेक कर लें, और बच्चों के आंसर भी चेक करें आप। ठीक है 65 आ रहा होगा। ओके, पेज नंबर 52। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। बुक का न्यूमेरिकल नंबर 15। जी बेटा,
अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको एक सवाल दिया था जिसमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड था, ए डॉट बी गिवन था, थीटा निकालना था। अब सवाल में दोबारा थीटा ही निकालना है, मगर ए डॉट बी गिवन नहीं है, मॉड ऑफ ए गिवन नहीं है, मॉड ऑफ बी गिवन नहीं है। मुझे जो मैं आपको सवाल पूछूं उसका जवाब यस और नो में देना है। पिछले क्वेश्चन में मॉड ऑफ ए गिवन था 3, आई थिंक 3 था, यस और नो? इस सवाल में मॉड ऑफ ए गिवन नहीं है, क्या तुम मालूम कर सकते हो कितना है? कैन यू सॉल्व इट? कैन यू सॉल्व इट? यस, ओके, देन सॉल्व इट, सॉल्व इट। सॉल्व करें। जी बेटा, अब पिछले सवाल में और इस सवाल में फर्क पता ये चला कि मॉड ऑफ ए गिवन है तो डायरेक्ट लगा देंगे, वरना निकालना पड़ेगा। कैन यू सॉल्व? You people can solve it please, please solve it, thumbs up, good good। अच्छा, पिछले सवाल में मॉड ऑफ ए गिवन था, मॉड ऑफ बी गिवन था, इस सवाल में मॉड ऑफ बी हमने निकाला। क्लियर? पिछले क्वेश्चन में ए डॉट बी गिवन था 5, आई थिंक शायद 5 था, क्या इस सवाल में ए डॉट बी गिवन है? नहीं गिवन ना, बट वी कैन सॉल्व, लेकिन हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मैंने कल पढ़ाया था। तमाम बच्चे हाजिर जमा दिमागी से जवाब दें, कल मैंने पढ़ाया था, छठी प्रॉपर्टी आखिरी दा जाते वक्त पढ़ाई थी कि ए डॉट बी बराबर होता है ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। क्या ख्याल है, किस किस को याद आ गई ये प्रॉपर्टी? कल पढ़ाई थी कि जब दो वेक्टरों का डॉट लेते हैं तो आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, के वाले से। ये प्रॉपर्टी हमने कल प्रूव की थी, आज इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा ये देखो, ये वेक्टर दिए हुए हैं,
बेटा अब तमाम बच्चे सीख लें इस बात को कि जब दो वेक्टर्स आई जे के फॉर्म में हो तो उनका डॉट कैसे निकालते हैं। आई वाला जो इसके साथ है कोफिशियंट, इस वाले आई के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्स और एक्स, इसका एक्स टू है, इसका एक्स सिक्स है, प्लस ए वाई बी वाई, प्लस ए जेड बी जेड। किस किस बच्चे को समझ आया? ए एक्स बी एक्स यानी इसका एक्स और इसका एक्स, टू और सिक्स, प्लस ए वाई और बी वाई, इसका ए वाई है टू, इसका बी वाई है माइनस थ्री, फिर ए जेड बी वाई, इसका जेड है माइनस वन, इसका जेड है टू। अब ये बताओ पिछले सवाल में मॉड ऑफ ए गिवन, मॉड ऑफ बी गिवन, ए डॉट बी गिवन, थीटा तुमने निकाल लिया था, अब गिवन नहीं है लेकिन तुमने पहले मॉड ऑफ ए निकाला, फिर मॉड ऑफ बी निकाला, फिर ए डॉट बी निकाला, अब थीटा निकाल सकते हो या नहीं? उसी तरह से जिस तरह भी निकाला था निकालो, निकालो थीटा, शाबाश, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। शाबाश, ये फॉर्मूला लगाओ, ए डॉट बी की जगह फोर रख दो, इसकी जगह जो भी रखना रखो, करो सॉल्व। जी भाई, गुड 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 गुड, 17। अरे मोइज गलत जवाब निकाल लिया। मोइज आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में है, उसको डिग्री मोड में करो, पहले चेक करो, ऊपर छोटा सा आर लिखा हुआ होगा, उसको डी करो, डिग्री में करो, मोड में जाकर कैलकुलेटर को सॉल्व करो सब। जी फिर सही जवाब आएगा। नोट्स, बेटा पास्ट पेपर निकालें, पास्ट पेपर निकालें, पेज नंबर 38, नोट्स पेज नंबर 38। नोट्स पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 1, 1992 में आया, 2005 में आया, दो वेक्टर दिए हुए हैं, 6i + 6j -3k, 2i + 3j -6k, वेक्टर बी दिया हुआ है, एंगल निकालना है। ये सवाल पूरा का पूरा खुद करो अभी। अब मॉड
बेटा मैथ में भी और फिजिक्स में भी रेडियन में होता है, जहां रेडियन में होता है मैं वहां आपको रेडियन से कराऊंगा, आप परेशान ना हो, ठीक है, यहां डिग्री में ही करना होता है। सॉल्व करें बच्चों, जल्दी करें, जल्दी, शाबाश, फिर आगे बढ़ेंगे। शाबाश शाबाश, डू इट शाबाश बच्चे, शाबाश। जी बेटा, कुछ आंसर जैसी चीज आना शुरू हुई, शाबाश मोइस, एक्सलेंट। किस किस का ये जवाब आ रहा है, इस तरह से जवाब आ रहे हैं, चेक कर लें। गुड गुड, शाबाश। आंसर आएगा सॉल्व करने पर 40 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब। तो देखो पहला, ये पहला ही सवाल पेपर में, ये मतलब पास पेपर में पहला ही सवाल ये है। शाबाश अबीर फारूकी, आज तो मुझे लग रहा है कि तबीयत खराब हो जाएगी मेरी। अच्छा भाई, अब जरा नोट्स निकाल लें, नोट्स निकाल लें बेटा। क्वेश्चन नंबर वन मैंने करा दिया, अरे आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर टू, ये एडिशन ऑफ वेक्टर का सवाल है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से होगा, निशान लगाओ, ये खुद करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, जिनके पास नोट्स है वो पढ़ें, वेक्टर पी और क्यू दिया हुआ है, जैसे वेक्टर ए और बी है वैसे पी और क्यू दिया हुआ है,
पहले मॉड ऑफ पी पूछा, फिर मॉड ऑफ क्यू पूछा, फिर पी प्लस क्यू पूछा, फिर पी डॉट क्यू पूछा, फिर एंगल बिटवीन पी ओ, ये सब कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना, 7 नहीं करना, 7 नहीं करना, शुरू के 6। पास्ट पेपर्स, पास्ट पेपर न्यूमेरिकल में शुरू के 6 सवाल ये हम कर चुके हैं, यानी ये आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7th ये मैं करवाने जा रहा हूं आपको आज अभी इसी वक्त, शुरू हो जाए बुक का क्वेश्चन नंबर 7। ये लॉजिक याद रखना बेटा, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए आई प्लस पी जे प्लस 3k और बी वेक्टर दिया है 3i प्लस 3j माइनस 4k, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। 1995 में ये सवाल आया, सॉरी 96 में आया, 2009 में आया, 2018 में आया, बेटा तमाम बच्चे जरा मेरी बात को सुने। ये एक वेक्टर है वेक्टर ए, ये एक वेक्टर है वेक्टर बी, और ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट किसके बराबर होता है, सोच के बताओ, सोचो, परसों पढ़ाया था, सोच के बताओ, शाबाश, ध्यान लगाओ, देखो पीछे। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, शाबाश आसिया खान, जबरदस्त, हाँ बेटा अबीर फारूकी, वाकई अगर तू होता तो आसमान में छेद कर देता बेटा। बेटा अब तमाम बच्चे, यार वो अनम जावेद जो बेचारी दो दफा से पोजीशन लाई है उसके जवाबात आजकल नहीं आ रहे, क्या नाराज है बेटे। तो ए और बी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो याद रखना उनका डॉट जीरो होता है। क्यों, क्लास से निकाल दिया, क्यों निकाल दिया, खैरियत। चलो अच्छा बेटा ये एक बात सबके समझ आ गई कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट जीरो होता है, ये आपने रखना है, और अब इनका डॉट निकालेंगे। बेटा डॉट कैसे निकालते हैं, आई वाला आई वाले से, जे कैप वाला जे कैप वाले से, के कैप का कोफिशिएंट के कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस पी 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा। डॉट निकालना आता है ना बेटा, ये 3 आया, ये आया 3p, ये आया माइनस का 12। माइनस 12 प्लस 3 माइनस का 9,
थ्री पी बराबर नाइन, पी बराबर नाइन अपॉन थ्री, तो पी इज इक्वल टू थ्री। जी बच्चों क्लियर हो गया? कॉपी कर लो। हाँ भाई अलम जावेद, क्या हो गया बेटा? खैरियत है? कहाँ गायब है आप? एक बार फिर समझा दूं। अच्छा भाई समझा देता हूं, तुमने पोजीशन ली है ना, इसलिए तो मैं ये एक जो है एज मिलेगा इसका। देखो बेटा दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, वो कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। कह रहा है ये जो P है ये बताए। बेटा जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं ना तो उनका डॉट जीरो आता है। तो हमने रखी कंडीशन, हमने कहा इफ या सिंस दे आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। अब वेक्टर A की वैल्यू डाली यहां, वेक्टर B की वैल्यू यहां डाली और जीरो। डॉट कैसे सिखाया था? कल सिखाया था प्रॉपर्टी के ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। कल याद है लेक्चर? कल प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ाई थी ना कि डॉट कैसे निकालते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। तो मैंने क्या किया, देखो ए एक्स यानी इसका जो ए एक्स है वो 1 है और इसका जो ए एक्स बी एक्स है वो 3 है। ये ए एक्स बी एक्स हो गया प्लस ए वाई बी वाई, इसका जे पी है इसका जे 3 है मल्टीप्लाई हुए, प्लस ए जेड बी जेड 3 और माइनस 4 ये मल्टीप्लाई हुए। 3 वन जा 3, 3 पी 3 आ गया, माइनस का 12 आ गया, 3 पी ऐसे आ गया, माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9 आया, 3p 9 को वहां ले गए 9 आया, p बराबर 3 आ चुका है। तो ये न्यूमेरिकल मैंने कराया है 96 2009 2018 में आया है, नोट्स में पेज नंबर 38 पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 7। जी बेटा कुछ क्लियर हुआ? बेटा आप पास पेपर में देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सारे न्यूमेरिकल कर लिए या करवा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये हमने एडिशन में कर लिया था पास पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो 97 का, ये सवाल हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर चुके हैं पास पेपर का। क्वेश्चन नंबर नाइन पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 9 के 3 पार्ट्स गिवन हैं, तुम लोग पहला और थर्ड पार्ट, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट सॉल्व कर सकते हो। सेकंड पार्ट अभी नहीं पढ़ाया, वो बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर नाइन एयर है 97 का, पेज नंबर 38 नोट्स। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला और तीसरा पार्ट तुम लोग कर सकते हो सॉल्व। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना और मक्खन भी लगाने की जरूरत नहीं है, सच सच बोलना है, जान देनी है तुम लोगों ने। ये नोट्स तुम्हारे काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ईमानदारी से? अगर आप ये नोट्स नहीं लेते ना तो आपको, अगर आप ये नोट्स नहीं लेते ना तो आपको किसी और नोट से बहुत प्रॉब्लम होती, मुझे पता है ना। अच्छा अब आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, ये मैं करवा चुका हूं तुम लोगों को।
क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। राव हसन, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, व्हाट्सएप पे मुझे अपना नंबर भेजें, वहां पे बताता हूँ नोट्स कैसे कैसे पहुंचाऊंगा मैं आपको, अगर नोट्स चाहिए हैं तो। हाँ, क्लास अभी नहीं, मेरी क्लास खत्म होगी 8:15, एक और क्लास भी है मेरी, उसके बाद मुझे SMS व्हाट्सएप कर देना। बेटा बेटा अबीर, मैंने आपको बताया था आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें, वो न्यूमेरिकल जो आपको सॉल्व चाहिए 5 ईयर के, वो अलग से बुक है, उसकी प्राइस अलग है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो ना लें आप, क्योंकि आपको सॉल्व करना सीखना है। अगर मैं आपको वो भी सॉल्व करके दे दूंगा तो फिर वो मजा नहीं आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ दो, अभी मैंने नहीं पढ़ाया, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, एयर है 2000 का, एयर है 2000 का। ए और बी दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए प्लस बी का मॉड निकालना है, यानी ए और बी को ऐड करना है, और एंगल बिटवीन ए और बी निकालना है। एंगल बिटवीन ए और बी सिखा दिया, अभी सिखाया आज। थर्टीन फोर्टीन छोड़ दें, थर्टीन, अच्छा फोर्टीन बेटा दो दफा रिपीट हो गया है, थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन, ये तीनों सवाल छोड़ दें। अगले नोट्स का 15 पढ़ें, ये हमने सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ें, ये आपने करना है, बल्कि आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन, नहीं एक्स्ट्रा क्लास अब नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास अब कभी भी नहीं होगी फिलहाल कुछ अरसे तक। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ें बेटा, पढ़ भी रहे हो। ए और बी मैग्नीट्यूड दिए हुए, डॉट दिया हुआ है, एंगल निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। 17 पढ़ो, 17 पढ़ो, ये भी मैं करवा चुका हूं। हाँ, अब करना है 18 जनाब, 18 करवाता हूं, ये आखिरी सवाल है आज का। पेपर में आ चुका है 2-3 दफा, बुक का न्यूमेरिकल नंबर 16, बुक का न्यूमेरिकल नंबर 16। वेक्टर ए दिया हुआ है i-2j प्लस के, और वेक्टर बी दिया है 4i-4j प्लस 7k। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का शेडो बी पर मालूम करें। बच्चों एक मिनट, बेटा अनीजा, अनीजा आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करें, एंगल सही नहीं आ रहा, मैं चेक कर लूंगा, अभी मैं इस सवाल पर हूं, हो सकता है आप सही कह रही हो, मैं चेक कर लूंगा। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 16 बुक का है, इसमें एंगल नहीं निकालना, प्रोजेक्शन निकालना है, साया। प्रोजेक्शन का ताल्लुक डॉट से होता है, याद है? देखो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, अगर हमें दो वेक्टरों का डॉट लेना हो ए डॉट बी, तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड को दूसरे के शेडो से मल्टीप्लाई करते हैं। किस किस को याद है ये बात, जल्दी से बताया, ओके की रिपोर्ट चाहिए मुझे। और अगर बी डॉट ए निकालना है तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए के शेडो से, तो उसने आपसे आज ये पूछ लिया है ए का शेडो बी पर, ये पूछ लिया, तो बताएं फार्मूला क्या नजर आया।
ए का शेडो बी पर निकालना हो तो ये मॉड ऑफ बी यहां डिवाइड करेंगे। कितनी देर हो गई? नहीं, ये खत्म होगा। जी बच्चों, कुछ समझ आया? अभी मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा याद रखने का, फॉर्मूला याद रखने का शॉर्टकट बताऊंगा। इसको देख के परेशान नहीं हूं। देखो, ए का प्रोजेक्शन बी पर है, अब ये फॉर्मूला बन गया। इसका आसान तरीका, ए का शेडो बी पर हो या बी का शेडो ए पर हो, इन दोनों का डॉट ले लिया करें। जी मैंने क्या फरमाया? मैंने फरमाया ए का शेडो बी पर हो या बी का शेडो ए पर हो, इनका डॉट ले लिया करें, इन दोनों का डॉट ले लिया करें। अब बी लिखो पहले या ए लिखो, बात कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? पहले बताओ यहां तक क्लियर है? पहले बोलो यहां तक क्लियर है? ए का शेडो बी पर हो या बी का शेडो ए पर हो, दोनों का डॉट ले लिया करें। आगे, ये शेडो किस पर है? ये शेडो किस पर है? ये शेडो किस पर है? बी पर है, तो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और ये शेडो किस पर है? ये शेडो किस पर है? तो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बस, यानी बताना ये चाह रहा हूं कि ए का शेडो बी पर है तो इनका डॉट लो और डिवाइड करो, इससे जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा। कोई समझ आई बात? याद करने का आसान तरीका, जिसका शेडो जिस पर शेडो उनका डॉट, जिसका शेडो जिस पर शेडो उनका डॉट, और जिस पर शेडो उसका मॉड डिवाइड हो जाएगा, यानी जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा। ये नीचे है तो नीचे आ जाएगा। फिर देख लो, अगर मैं बी का शेडो निकाल रहा हूं तो मेरा बेटा ए डॉट बी आएगा, मगर ये ए है तो नीचे ए का मॉड आएगा। अब इसको सॉल्व करना सिखा चुका हूं, चलो दोबारा बता देता हूं। आई माइनस टू जे प्लस के डॉट फोर आई माइनस फोर जे प्लस सेवन के डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी। क्या ख्याल है बेटा, समझ आ रहा है? डॉट निकालना आता है? आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, वन को फोर से किया, प्लस माइनस टू को माइनस फोर से किया, वन को सेवन से किया, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन, फोर वन जा फोर प्लस एट प्लस सेवन, अंडर रूट एटी वन आया, एट सेवन फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन, एटी वन का रूट नाइन। ये आंसर है बेटा, ए का शेडो बी पर। इसको पॉइंट में मत लिखना बेटा, इसको ऐसे ही छोड़ देना, इसको मजीद सॉल्व मत करना, पॉइंट में मत निकालना जवाब, ठीक है? इसको ऐसे ही रहने देना। बस, मोइस पूछ रहे हैं क्यों, मोइस पूछ रहे हैं क्यों, मोइस का जवाब दे रहा हूं। हसास अगर हो
तो मोहब्बत करो महसूस, हर बात का इजहार जरूरी नहीं लब से। बस कह दिया कि नहीं करना तो नहीं करना, बस पॉइंट में मत करना। बेटा अगले हफ्ते मुलाकात होगी, उससे पहले एक बात बता दूं, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल में जाओ और क्वेश्चन नंबर वन के शुरू के 12 पार्ट कर लेना। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में जाओ, क्वेश्चन नंबर वन में बिल्कुल 20 पार्ट हैं, आपने शुरू के 12 करने, जबकि आपको मैं 2-4 तो पहले भी करवा चुका हूं इसके। ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।